नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है फ़ोन करके। आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम मुझे फ़ोन करके व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा है एक प्रॉब्लम, चलिए उस प्रॉब्लम को पहले बताते हैं। उसके लिए मुझे एक पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने इंसर्ट में गए और एक पिवट टेबल हमने बनाया। ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है और हर किसी को भी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सिटी वाइज, सिटी हटा देता हूँ, नेम वाइज, हाँ नेम वाइज हमने यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल एंड एमआरपी का एवरेज ले लिया हुआ है। एवरेज लिया हुआ तो ये आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। अब मैं इस पे अगर पिवट चार्ट पे आता हूं और पिवट चार्ट तैयार करता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे पाई चार्ट लेता हूं, तो पाई चार्ट पे देखिए इसमें क्वांटिटी का टोटल आ रहा है, इसमें हमारा एमआरपी का एवरेज नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपके जो पाई टोटल इसमें पाई चार्ट है, पाई चार्ट का प्रॉपर्टी ये है कि किसी एक फील्ड को ही शो कर सकता है। बट मैं दूसरे फील्ड को कैसे शो करूं, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे एवरेज ही चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो है इसको मूव कर लें। सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको वहां से ऊपर रख देता हूं, मूव कर दीजिए और फिर मैं इसको सेलेक्ट करके पाई चार्ट बनाता हूं। इंसर्ट, यहां से भी चार्ट लिया जा सकता है, दोनों एक ही होता है। तो ये आपका एवरेज ऑफ एमआरपी का आ गया। बट ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीजों हो तो पॉसिबिलिटी ना हो, मुझे अपने हिसाब से करना हो तो क्या करें। हालांकि मैं सुरक्षित बता लूं कि मैंने भी इससे पहले ऐसी चीजें नहीं की है, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए आप लोगों के साथ हम इसको तैयार करते हैं। कहीं गलत करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने यहाँ पे गलती की है। तो राइट क्लिक करके मैं इसकी सिलेक्ट डेटा में जाता हूँ। सिलेक्ट डेटा में आपको यहाँ दिख रहा होगा सम ऑफ क्वांटिटी एंड एवरेज ऑफ एमआरपी, राइट। तो सम ऑफ क्वांटिटी और एवरेज ऑफ एमआरपी यहाँ दिख रहा है, बट इसको मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने सोचा था कि इस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से हम इसको डिलीट विलीट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करें। तो उसका लिए एक और तरीका हमें आ रहा है कि मैं यहाँ एक ब्लैंक चार्ट, सॉरी कहीं इस पे सिलेक्ट ना करूँगा, मैं कहीं और सिलेक्ट करूँगा और एक इंसर्ट करूँगा ब्लैंक चार्ट, फिर इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाऊंगा और ऐड पे जाऊंगा। तो मुझे यहां पे क्या करना है, एमआरपी का एवरेज लेना है, एमआरपी, और यहां पे हम जो है अपनी एमआरपी के डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे मुझे नेम भी चाहिए, तो फिर इसमें हम नेम को लेवल में, एक्सेस लेवल में सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ये हमारा पिवट चार्ट तैयार हो चुका है। ये चार्ट भी आप बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमारे व्यूवर हैं उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आप लोगों के पास भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, और साथ में आप मेरे साथ लाइव क्लास लेना चाहे तो जूम ऐप के थ्रू हमारे साथ लाइव क्लास ले सकते हैं, या फिर मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव या डाउनलोडिंग लिंक को परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी मित्र को इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो मेरे चैनल IPT इंडिया को उनको जरूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।